नमस्कार, वेलकम टू नेपोनेटा। बीसीसीआई ने रिसेंटली निकाला है सीनियर सेलेक्टर की वैकेंसी। जानिए कौन और कैसे आवेदन कर सकेंगे। किसी भी चयनकर्ता का संयुक्त कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष से अधिक नहीं होता है, चाहे वो जूनियर या फिर सीनियर पैनल का हो। बीसीसीआई अपनी चयन समिति में जो है प्रत्येक क्षेत्र से, चाहे वो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट से जो है एक चयनकर्ता चुनता है, जिनमें से सबसे अनुभवी सदस्य टेस्ट कैप के संदर्भ में पैनल का प्रमुख होता है। आवेदकों के पास जो है अपनी उम्मीदवारी जमा करने के लिए जो अंतिम तिथि है वो 25 जनवरी है, और इसके बाद बीसीसीआई शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाएगा और उनकी स्क्रीनिंग करेगा। ये जान लेते हैं सीनियर सेलेक्टर के आवेदकों के लिए क्या है क्वालिफिकेशन। तो कम से कम 7 टेस्ट या फिर 30 प्रथम श्रेणी मैच या फिर 10 वनडे और 20 प्रथम श्रेणी मैच का अनुभव होना चाहिए सीनियर सेलेक्टर के पास। बीसीसीआई ने अपनी वेबसाइट पर विज्ञापन दिया है जिसमें चयनकर्ता के लिए वही योग्यता मांगी गई जो 2 साल पहले मांगी गई थी, और इस समय इंटरव्यू की तारीख जो है तय नहीं की गई है, लेकिन आईपीएल के दौरान जो है कोई नया सेलेक्टर अपना पद संभालेगा।